आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दो होममेड रूटिंग हॉर्मोन्स, जिसे इस्तेमाल करने से बस 7 दिनों में ही आपके पौधे में ऐसा रूट्स आएगा किसी ने सोची ना होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मेरीगोल्ड्स के कटिंग ले लेते हैं। यहाँ पर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, आपका जो पौधा है वो हेल्दी होना चाहिए। दूसरा, आपके कटिंग में 2 से 3 नॉट एरिया होना चाहिए। और तीसरा, नॉट एरिया के ठीक नीचे आप कट लगाए और कटिंग को ले ले। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने पौधे से कटिंग्स ले लेता हूँ। अब हम अपना पहला रूटिंग हार्मोन तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच हनी ले लेंगे। इस 1 चम्मच हनी के साथ हम 2 चम्मच पानी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा पहला रूटिंग हार्मोन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरीगोल्ड के कटिंग्स को हम कुछ इस तरीके से करीब 10 से 15 मिनट के लिए इस हनी वाले पानी में भिगोकर रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम एक छोटा सा पॉट लेंगे और उस पॉट में 2 ड्रेनेज होल बना लेंगे। इन ड्रेनेज होल के ऊपर हम 2 टूटे पॉट के टुकड़े कुछ इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद इस पॉट में सैंड यानी रेत भर देंगे। अब हम पौधे के कटिंग्स को ले लेते हैं। उसके बाद एक ब्रश की मदद से इस रेत में कुछ इस तरीके से छेद बनाने के बाद इन छेदों में पौधे के कटिंग्स को कुछ इस तरीके से दबा देते हैं। अब हम पॉट में अच्छी तरीके से पानी देते हैं और पूरे सैंड को गीला कर देते हैं। इसके बाद हम इस पॉट को एक सेमी शेड जगह पर रख देंगे। मैंने एक और पॉट में सैंड भर लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और कुछ मेरीगोल्ड्स के कटिंग्स ले लेते हैं। हमारा जो दूसरा होममेड रूटिंग हार्मोन है, इसके लिए हम केला यानी बनाना इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम फिर से अपने पॉट में कुछ छेद बना लेते हैं। उसके बाद पौधे के कटिंग्स को कुछ इस तरीके से बनाना में लगाते हैं और उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से अपने पौधे के कटिंग्स को कुछ इस तरीके से पॉट के अंदर दबा देते हैं। इस पॉट में भी अब हम भरपूर पानी देते हैं। उसके बाद पॉट को एक सेमी शेड जगह पर रख देते हैं। Hey, y'all, come look at this. 7 दिन के बाद का अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉट के बाहर से कितना अच्छा रूट्स नजर आ रहा है। ये हमारा पहला रूटिंग हार्मोन वाला कटिंग्स है। सबसे पहले हम इसको ही निकाल कर देखते हैं किस तरीके का रूट्स यहाँ पर आए हैं। अब हम पौधे के कटिंग्स को अच्छी तरीके से पानी से धो देते हैं। इससे जो सारा सैंड लगा हुआ है रूट्स में वो हट जाएंगे। अब हम कटिंग के सबसे नीचे वाले नॉट एरिया में जहाँ पर 2 पत्ते लगे हैं उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये अब खराब हो चुके हैं
और इससे पौधे में फंगल डिजीज हो सकते हैं। इनको हम कुछ इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अपना पहला रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करने से पौधे में कितना अच्छा रूट्स आए हैं। अब हम इनको ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी अपना पौधा ग्रो होने लगेगा। अब हम चेक करते हैं अपना दूसरा होममेड रूटिंग हार्मोन का रिजल्ट कैसा है। तो हम इसको निकाल के डायरेक्टली ही पानी में धो लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अपना सेकेंड होममेड रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करने से भी अपने मेरीगोल्ड्स के कटिंग्स में कितना अच्छा रूट्स आए हैं। अब मैं दोनों रिजल्ट्स को ही आपके सामने रख देता हूँ। आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन सा रूटिंग हार्मोन ज़्यादा अच्छा है। यही आज का वीडियो, आप मेरीगोल्ड्स के कटिंग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और दो होममेड रूटिंग हार्मोन के बारे में। और हाँ, बस मेरीगोल्ड्स ही नहीं, आप कोई भी कटिंग्स को इन रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।